हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रणव रमेश थोरा, स्टैंडर्ड 8 फ्रॉम शिवजीरा नागुड़े डिफरेंस स्कूल श्री गोविंदा। तो दोस्तों, आज मैं आपको हमारे भारत के भविष्य के बारे में कुछ फैक्ट्स या फिर मान लो तथ्यों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप खुद हैरान हो जाओगे। पर दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप भारत के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। क्या दोस्तों, आपने कभी ऐसा सोचा है इस महामारी के बाद हमारे देश के भविष्य कैसे होने वाले? नहीं ना, हमें तो सिर्फ कोरोना 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 स्टे होम स्टे सिर्फ इतना ही तो करने को आता है। पर दोस्तों, इस महामारी के बाद हमारे देश को बहुत ही तगड़ा वाला फायदा होने वाला है। अब पूछो कैसे? दोस्तों, सभी देशों का ऐसा मानना है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये चीन ने खुद प्रसारित किया है, इसलिए सभी देश उन पर नाराज रह गए हैं। और इसलिए उन्हीं देशों की प्रमुख कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि चीन में वास्तव्य बना चुकी थी, अब वही कंपनियां एक ऐसा देश को ढूंढ रही है जो एक प्रगतिशील देश हो, जहाँ पे मजदूर ज्यादा हो, वो भी कम रेट में, और साथ ही साथ वो एक अच्छा और चीन के नजदीक वाला देश हो। अगर ऐसे देश की बात की जाए तो वो हमारा सिर्फ भारत ही है। अगर यही कंपनियां भारत आ जाती है तो हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ को बहुत ही फायदा हो जाएगा। अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ को फायदा होता है तो बेरोजगारी, गरीबी सब कुछ दूर हो जाएगा, और साथ ही साथ जीडीपी रेट भी बहुत बढ़ेगा। और मैन पावर, जैसे कि मिलिट्री और नेवल फोर्सेस, इन्हीं में भी हमारा देश बहुत ही तरक्की कर लेगा। मतलब अगर हमारे पास वाला देश कभी ऐसा सोचता है भारत के हमला करने का, तो वो भारत की मिलिट्री और उनकी पावर देख के ही डर जाएगा। और उसकी दूसरा मुद्दा दोस्तों, जैसे कि कुछ किन किन क्षेत्रों में हमारा देश बहुत ही पीछे रह गए, जैसे कि हेल्थ में हमारा देश बहुत ही पीछे 102 रैंक पे। अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ में वृद्धि होती है तो हमारा देश इस रैंक में बहुत ही आगे जाएगा। उससे भी बड़ा मुद्दा, तीसरा मुद्दा, जी हाँ दोस्तों, हमारे सरकार ने चीनी ऐप्स पर और प्रोडक्ट्स पर पूरी तरीके से बंदी बना ली है, जिसके कारण हमारे देश के ऐप पूरे दुनिया में लोक प्रसिद्ध हो रहे हैं, जिसका तो फायदा हमें हो ही रहा है। पर दोस्तों, यही कंपनी भारत में आने से ना ही हम तरक्की करने वाले, ना ही हम अमीर और मतलब कि बनने वाले हैं। पर दोस्तों, हमें जो आज परिश्रम कर रहे कोरोना से मिलजुल कर लड़ने के लिए, वही परिश्रम अगर चलता रहा तो हमें इस मंजिल तक पहुँचने से कोई भी देश रोक नहीं सकता। अगर यही परिश्रम चलता रहा तो जैसे कि हमें 150 साल पहले कहा जाता था सोने की चिड़िया, वही कुछ साल, कुछ डिकेड्स या 2050 तक मान लो हमें फिर से सोने की चिड़िया कहा जाएगा, और हम अपने देश पर गर्व महसूस करेंगे और पूरी दुनिया में सलाम टुकेगी। दोस्तों, यही था हमारा भारत का भविष्य। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर लाइक कर देना।